más que quieres es bailar, mi amor. Ella quiere farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Farra, farra, farra. Hello everyone, good afternoon. I am Vandan Prajapati from Mehsana, Gujarat. Canada आए 3-4 दिन हुए और पहली बार अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ और मैं जिनके घर रह रहा हूँ उनके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो रिपेयर कराने हम जा रहे हैं और अभी ठंड ज़्यादा है तो मोबाइल भी ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है और अभी जहाँ जाते तो वहीं से मैं कुछ नया हो तो दिखाता हूँ। फाइनली मैं अभी कैनेडा के टीम होटल्स में आ गए और ये कनाडा का बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप है, टीम हॉर्टन्स पूरे कनाडा में बहुत फेमस है। तो अभी मैं टीम हॉर्टन्स में आ गए और लोग आते ही जो पहली कॉफ़ी ट्राई करते हैं फ्रेंच वाली ना, वो मैंने भी ट्राई की और अभी पीता हूँ तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। हाँ तो हमको लैपटॉप जहाँ पर रिपेयर करना था वही जगह पर हम आ गए और यहीं पर वो मेरा मामा है वो अभी अंदर लैपटॉप रिपेयर करवाने गए और मैं बाहर थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए आ गया हूँ। और ये मैंने अभी टीम होटल की कॉफ़ी ली है जो कि जो लोग पहले आते तो वो सर वो पहले यही ट्राई करते, तो मैंने भी ये फ्रेंच वनीला ही ट्राई की, बहुत अच्छी है कॉफ़ी, मस्त कॉफ़ी है, जिस जैसी मुझको चाहिए थी वैसी ये बिल्कुल कॉफ़ी है। और यहाँ पे भी एक टीम होटल है जो आपको दिख रहा होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि हम जहाँ लैपटॉप रिपेयर करवाने आए थे वो भी गुजराती है, तो उसने सामने से हमको पूछा कि आप भी गुजराती हो, तो गुजराती तो पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा है। हाँ तो अभी हम हमारा सिम कार्ड लेने के लिए जा रहे हैं और ये पार्किंग में हमने हमारी कार पार्क कर दी है और यहीं से चल के थोड़ा जाना है। और सिम कार्ड पहले से वो मेरे अंकल है उनके फ्रेंड ने ले रखा है तो वहीं पर हम लेने जा रहे हैं। हाँ तो अभी जस्ट हम हॉलिस्टर में गए थे और विंटर जैकेट देख रहे थे। इंडिया में जैसे वुडलैंड एडिडास फेमस होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंपनी हॉलिस्टर है और -30 तक चल सकता है ऐसा विंटर जैकेट, यही भी अच्छा मिलता है तो हम देखने गए थे और मैंने मेरी साइज चेक कर ली है। अभी हम ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले हैं और फिलहाल अभी कहाँ जाते वो पता नहीं, तो अभी घूमते हैं। यहाँ पे विंटर जैकेट की एवरेज प्राइस 100 से 125, 35, 45 के आसपास ही होती है, तो जैकेट भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अभी हम जो मॉल में, वो मॉल का नाम ब्रैमली सिटी सेंटर है और बहुत बड़ा मॉल है ये, और अहमदाबाद में जो अल्फा वन मॉल है उसके कंपेयर से थोड़ा बड़ा है और यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ आपको आराम से मिल सकती है। अभी हम जस्ट मॉल के बाहर निकल गए और पार्किंग में आ गए और यही से कहाँ जाने वाले मुझे आइडिया नहीं है। 99% तो हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। और मेरे साथ जो अंकल है उनका जो फ्रेंड है वो बहुत एक्टिव है, उनको सारा हाईवे मालूम है और वो बहुत एक्टिव है। ये दोनों लोग को ठंडी नहीं लगी और मैं अभी नया नया आया तो मुझे ठंड लग रही है, तो मैंने दो स्वेटर पहने हैं और उन्होंने तो टोपी भी नहीं पहने, लेकिन मैं टोपी पहन के घूम रहा हूँ क्योंकि सर्दी ना हो जाए इसलिए। ब्रैमली सिटी सेंटर ये पूरा हम जस्ट ये मॉल में थोड़ा शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग मतलब ये खाने का आइटम, और उसमें जो गुजरात में मैं रहता हूँ मेहसाणा में जो मिलता था उस उतना तो मिलता ही है, और इसके अलावा जो मेहसाणा में नहीं मिलता था वो यहीं पे मिल जाता है और रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ अर्निंग भी उतनी थोड़ी ज़्यादा होती है तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। और अभी हम जहाँ पर लैपटॉप रिपेयर करवाने रखा था वो लेने जा रहे, और शाम का टाइम है, थोड़ी सी ठंडी अब बढ़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है, तो वीडियो अब कहीं रुकूंगा तो मैं शूट करूंगा। फाइनली अभी हमारा लैपटॉप ओके हो गया है और लैपटॉप हमने ले लिया है और $70 चार्ज हुआ है उसका रिपेयरिंग का, और अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाते हैं आज वो शायद बस से हम घर जाने वाले हैं और मेरी फर्स्ट राइड होगी बस में, तो जब बस आती तब देखते हैं।
अभी पहली बार बस में बैठने जा रहा हूँ और अभी मैं यहाँ बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और हमारी बस जस्ट आने वाली है, तो अभी हम बस का इंतज़ार करें। और मैं अभी अभी थोड़ा सा सेट हो गया हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने टोपी पहनी है सर्दी वगैरह ना हो जाए इसीलिए। और जस्ट अभी मैं 3-4 दिन में आया हूँ, तो अभी मैं प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने एक टोपी और इसके ऊपर जैकेट की टोपी पहनी है। तो अभी बस में बैठते हैं और बस में बैठ के घर जाते हैं। फाइनली अभी मैं बस में बैठ गया हूँ और यही से हम घर जाएंगे। 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये बस हमको 60 मिनट में पहुँचाएगी, क्योंकि हर 200-300 मीटर पे एक दो स्टॉप आ रहे हैं और इसीलिए हमको थोड़ा देर लग रहा है। हाँ, तो फाइनली अभी हम घर आ गए और जब रात को खाने के लिए करीब आ जाएंगे तो मैं वीडियो में दिखा दूँगा। अभी रात के 9:30 हुए और 6:30 बजे हम घर आए थे। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं और डिनर में आज हम साउथ इंडियन खाने वाले हैं। और अभी आधे घंटे में या 40 मिनट में रेस्टोरेंट बंद होने वाले हैं, तो हम फटाफट होटल जा रहे हैं और वहीं जाके मैं हम क्या खाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली इडली खाने के बाद अभी मैं घर आ गया हूँ और इडली खाने के बाद अभी जस्ट 3 दिन हुए और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इडली बहुत टेस्ट में अच्छी थी और प्योर इंडियन टेस्ट था, इंडियन से भी थोड़ा अच्छा मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बढ़िया टेस्ट था। थंबनेल में जो मैंने जो डोसा का वो लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि लोगों को अट्रैक्शन हो वीडियो देखने में, और वो डोसा हमको $11 या $12 के आसपास पड़ा था। और वो डोसा हम कल खा के आए थे, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो ये वीडियो देखो और अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।